तो देखो यार, आज से कुछ महीने पहले हीरोपंती 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ था एंड जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म डूबेगी एंड ऐसा रियली में हुआ भी। एंड वही दूसरी तरफ आज खुदा हाफिज चैप्टर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है एंड जिसे देखने से ऐसा लग रहा है कि अपने पहले पार्ट की ही तरह धमाल मचाएगी। तो खुदा हाफिज फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी जिसे कोरोना के चलते OTT पर रिलीज किया गया एंड विद्युत धमाल की अच्छी परफॉर्मेंस एंड अच्छी कहानी के कारण इस फिल्म ने OTT पर भी धमाल मचा दिया एंड इसके सक्सेस को देखते हुए इसके मेकर ने इसका पार्ट 2 बनाने का फैसला किया एंड आज ठीक 2 साल बाद इसके चैप्टर 2 के ट्रेलर को रिलीज किया गया है एंड इसके मेकर को इस बार इतना कॉन्फिडेंस है कि इसे इन्होंने डायरेक्ट थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया है जहां पर इस फिल्म को इसी साल 8 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। तो जहां तक ट्रेलर की बात है तो ट्रेलर देखने में काफी ही सीरियस लग रही है हीरोपंती 2 से ठीक अलग। इसमें ना कोई फालतू का डायलॉग है एंड ना ही फालतू का कोई ग्लैमरस एक्शन सीन एंड ना ही हीरोइन के छोटे कपड़े। बस पूरे ट्रेलर में आपको विद्युत धमाल की अच्छी एक्टिंग एंड उनका प्योर एक्शन देखने को मिलेगा। जहां तक विलेन की बात है तो ऐसा नहीं अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लिया एंड उसे जोकर की सस्ती कॉपी बना दी तो फिल्म चल जाएगी, बल्कि विलेन किस तरह का होना चाहिए ये आपको ट्रेलर में विलेन की आंखों को देखकर ही समझ आ जाएगा। अगर आपने G5 की लव हॉस्टल मूवी देखी है तो उसमें जो बॉबी देओल का कैरेक्टर रहता है ठीक उसी तरह का मेबी विलेन देखने को मिल सकता है जो कि बोलता तो कम है बंदूक ज्यादा चलाता है। ट्रेलर में देखने से ऐसा लग रहा है कि एक विलेन औरत भी होने वाली है जो कि विद्युत धमाल को फिजिकली तो नहीं मेंटली टक्कर देने वाली है। पिछले फिल्म में विद्युत ने अपनी वाइफ को पूरे देश से अकेले बचाया था एंड इस बार तो उनकी बेटी का सवाल है जिसे अचानक एक दिन किडनैप कर लिया जाता है एंड एक बेटी अपने पापा के लिए परी होती है। तो विद्युत कैसे अपनी परी को बचाते हैं ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो वैसे कुछ लोग अभी से इसे बागी 2 से कंपेयर करके फ्लॉप बता रहे हैं एंड इसके पीछे इनका लॉजिक ये है कि टाइगर श्रॉफ ने बागी 1 में अपनी गर्लफ्रेंड को बचाया था एंड ठीक उसी तरह विद्युत धमाल ने खुदा हाफिज के फर्स्ट पार्ट में अपनी वाइफ को बचाया था एंड जैसे टाइगर श्रॉफ ने बागी 2 में अपनी बेटी को बचाया था ठीक उसी तरह खुदा हाफिज चैप्टर 2 में विद्युत धमाल अपनी बेटी को बचा रहे हैं एंड जैसे बागी 2 फ्लॉप हुई थी वैसे ही खुदा हाफिज चैप्टर 2 भी फ्लॉप होगी। तो इन लोगों को आपको क्या जवाब देना है कमेंट में बताइए एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।